थैंक यू हम दोनों को का करने के लिए Thank you. हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करके हमें मोटिवेट करने के लिए सबका एक टारगेट होता है हमारा है लोगों तक पहुंचाना। इस साल के एंड तक का हमारा टारगेट है सात लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स अचीव करना ताकि हम उन्हें भी फाइनेंशियली अवेयर कर सके आपसे हमें एक help चाहिए हमारे कंटेंट को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम ये टारगेट अचीव कर सके क्योंकि अब ये टारगेट सिर्फ हमारा नहीं आपका और हमारा है तो चलिए मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं ये कैसा मार्केट है यार सारी कंपनीज में इन्फ्लेशन रिलेटेड कॉस्ट प्रेशर बना हुआ है लेकिन वैल्यूएशन किसी के अट्रैक्टिव नहीं लग रहे कुछ सिलेक्टिव नेम्स के अलावा कौन से ये कुछ सिलेक्टिव नेम्स हमें भी बता दो देखो अभी के मार्केट में पोर्टफोलियो को चाहिए इंसुलेशन इंसुलेशन फ्रॉम इन्फ्लेशन इंसुलेशन फ्रॉम ग्रोथ स्लोडाउन ये सब सारी चीजें हमें हमारे पोर्टफोलियो में चाहिए सो so, मेरी भी नजर एक ऐसी कंपनी पर है जो यही प्रोडक्ट बनाती है इंसुलेटेड वायर्स क्या बोला है सर कंपनी का नाम तो बताइए

तुम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में पॉलीकैप का रेवेन्यू ग्रोथ देखो एफआई नाइनटीन में रेवेन्यू सिक्स हंड्रेड फोर्टी क्रोर्स जबकि एफआई ट्वेंटी टू में दिस इज ट्वेल्व हंड्रेड एंड फिफ्टी क्रोर्स नाइस

if you see polycap's revenue growth in the last 8 to 10 years you will see how well they have grown not just the revenue but profit margins as well i think के बिजनेस में, इनसे और कोई नहीं है स्टेपल केबल वायर्स जैसे बेटर प्लेयर और कोई नहीं है में। देखो, मैं इस पे तो एग्री नहीं करती कि इस में इनका कोई है नहीं कॉम्पिटेटिव प्रेशर इन पे है और इनके मार्जिन में वो चीज झलकती भी है ऊपर से वो अपने पास ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स कम में बेच रहे हैं कॉस्ट प्रेशर तो कमोडिटी प्राइस के प्रेशर की वजह से था कॉस्ट ऑफ कॉपर इज 80% परसेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट दैट पॉलीकैप इंकर्स, सो इनमें रिसेंटली काफी ज्यादा वॉलिटैलिटी थी सो so, इससे कंपनी को अफेक्ट होना ही था।

लेकिन पॉलीकैब का जो इलेक्ट्रिकल बिजनेस है वो कोई खास तारे नहीं लगा रहा बिजनेस में आई I मीन mean उसमें भी एक ड्रैग है और तो और पॉलीकैब अगर अच्छा काम कर रहा है वायर्स एंड केबल्स में तो उसी बिजनेस पे कंसंट्रेट करो ना एक्सपर्टीज के एरिया से बाहर जाकर नई चीजें ट्राई करना शायद कंपनी के लिए बेनिफिशियली ना हो देखते हैं ये तो वक्त ही बताएगा